नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एंड फैक्ट पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिविल लिबर्टी को। आज हम इस टॉपिक को कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सिविल लिबर्टी को जान लेने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सिविल लिबर्टी का ओरिजिन किस तरीके से होता है, ओरिजिन ऑफ द सिविल लिबर्टीज। दोस्तों, सिविल लिबर्टी का ओरिजिन प्राचीन काल के समय में यूनान से माना जाता है। यूनान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन घटनाओं के कारण धीरे धीरे जो है सिविल लिबर्टी का आरंभ होता है, सिविल लिबर्टी का उत्थान होता है, और सिविल लिबर्टी आज वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा व्यापक रूप धारण कर लेती है। तो ये जो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिन घटनाओं के कारण जो है सिविल लिबर्टी का उत्थान होता है, तो ये घटनाएं थी जैसे कि 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा। 1215 ईस्वी का मैग्ना कार्टा स्वतंत्रताओं, अधिकारों और आज़ादी के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रताओं के अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जिस पर समंतों ने शासक जॉन से हस्ताक्षर करवाए थे। इससे राजतंत्र को सीमित कर दिया गया था। इस मैग्ना कार्टा में टोटल 63 आर्टिकल थे। जो आर्टिकल 39 है, मैग्ना कार्टा का जो आर्टिकल 39 है, इसके अनुसार व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। और इस आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को बिना किसी कारणवश बंदी नहीं बनाया जा सकता है। और इसी मैग्ना कार्टा के आर्टिकल 40 में सिविलियन को जुडिशल राइट दिए गए हैं। दूसरा, जो दूसरी घटना है वो है रिनेसा इन यूरोप। 14वीं तथा 17वीं सदी के बीच में यूरोप में रिनेसा का इरा माना जाता है। इस युग में कला, विज्ञान, साहित्य, अनुसंधान का विकास हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे थे। लोग धर्म के स्थान पर मानवतावाद पर बल देने लगे थे, मानवता को प्रमोट करने लगे थे। लोग परलोक के स्थान पर इन्हीं लोग पर बल देने लगे थे। लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं की मांग उठाने लगे थे। इस तरह से रिनेसा ने कहीं ना कहीं नागरिकों की स्वतंत्रताओं के उत्थान के लिए अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया। तीसरी जो घटना है वो है इनलाइटमेंट इरा इन यूरोप। यूरोप में 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के समय को इनलाइटमेंट इरा के नाम से जाना जाता है। इस इरा में लोग पुरानी परंपराओं का त्याग करने लगे थे और वह तर्क, विश्लेषण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। इससे लोग पुरानी परंपराओं और कैथोलिक चर्च को चुनौती देने लगे थे। तो जब लोग पुरानी परंपराओं का त्याग करने लगे, चर्च को चुनौती देने लगे, रैशनैलिटी पर बल देने लगे, लॉजिक पर बल देने लगे, अधिकारों पर बल देने लगे, स्वतंत्रताओं पर बल देने लगे, तो कहीं ना कहीं इनलाइटमेंट इरा के समय में यूरोप में इनलाइटमेंट इरा के समय में जो है नागरिक स्वतंत्रताओं पर जो है बल दिया जाता है और नागरिक स्वतंत्रताओं का जो है इस तरीके से धीरे धीरे जो है उत्थान होता है, आरंभ होता है। लिबरलिज्म 17वीं और 18वीं शताब्दी में लिबरलिज्म की उत्पत्ति मानी जाती है। इस काल में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए जिन थिंकर्स ने सिविल लिबर्टी पर अपने अलग अलग तरीके से विचार रखे और उन थिंकर्स के विचारों से लोग प्रभावित होकर, सोसाइटी प्रभावित होकर कहीं ना कहीं सिविल लिबर्टी की मांग करने लगी, सिविल लिबर्टी पर बल देने लगी। ये थिंकर थे जैसे कि जॉन लॉक,
जेसमिल, टी एच ग्रीन, जर्मी बेंथम, लोस्की, रूसो आदि विद्वानों ने सिविल लिबर्टी के ऊपर अपने विचार रखे और सिविल लिबर्टी की जो है मांग की। इसी तरह लिबरलिज्म के इरा में 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय में कहीं न कहीं लिबरलिज्म के समय में एक सिविल लिबर्टी की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त 1776 को यूएसए में रेवोल्यूशन होता है, 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और 1917 को रशिया में रेवोल्यूशन होता है। ये तीनों के तीनों जो रेवोल्यूशन हैं वो सिविल लिबर्टी को जो है प्रमोट करते हैं। इन तीनों रेवोल्यूशन के द्वारा जो है सिविल लिबर्टी को जो है बढ़ावा दिया जाता है। इन तीनों रेवोल्यूशन के द्वारा जो है सिविल लिबर्टी के ओरिजिन में जो है ये तीनों के तीनों रेवोल्यूशन अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 1789 को जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, इस रेवोल्यूशन में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का स्लोगन दिया जाता है। और 1917 में जो रशिया में रेवोल्यूशन होता है, इसमें रोटी, भूमि और शांति का स्लोगन दिया जाता है। 1776 को जो यूएसए का रेवोल्यूशन होता है, इस रेवोल्यूशन में कौन सा स्लोगन दिया जाता है आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अतिरिक्त 1668 को ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, यह रेवोल्यूशन शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इस रेवोल्यूशन में इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को सिंहासन गंवाना पड़ता है और संसद ने जो उसकी पुत्री मैरी थी उसको जो है शासक बनाया। इस क्रांति के द्वारा जो है सिविल लिबर्टी को महत्व दिया जाता है, सिविल लिबर्टी को प्रमोट किया जाता है। कहीं ना कहीं जो 1688 को जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं सिविल लिबर्टी की ओरिजिन में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था सिविल लिबर्टी के ओरिजिन का। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिविल लिबर्टी क्या होता है, सिविल लिबर्टी का मतलब क्या होता है। सिविल लिबर्टीज यदि हम साधारण शब्दों में समझें तो एक नागरिक को यदि हम साधारण शब्दों में समझे तो एक नागरिक को, एक सिविलियन को, सिविलियन होने के नाते एक व्यक्ति को, व्यक्ति होने के नाते एक समाज का सदस्य होने के नाते, समुदाय का सदस्य होने के नाते जो उसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसे सिविल लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बार्कर ने सिविल लिबर्टी के तीन पक्ष बताए हैं। प्रथम पक्ष में वो कहते हैं कि व्यक्ति को अव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसके पास अवगमन की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वो दूसरी स्वतंत्रता में, दूसरे पक्ष में वो कहते हैं कि व्यक्ति को किसी के साथ समझौता करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तीसरे पक्ष में वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन स्वस्थ रखने का अधिकार है, अपना जीवन स्वस्थ रखने की उसके पास स्वतंत्रता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सिविल लिबर्टीज़ है, सिविल लिबर्टीज़ का नेचर कैसा होता है। यदि सिविल लिबर्टी के नेचर की बात की जाए तो हम दो तरीकों से सिविल लिबर्टी के नेचर को देख सकते हैं। एक तो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में सिविल लिबर्टीज़ का नेचर कैसा होता है, दूसरी तरफ से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सिविल लिबर्टीज़ का नेचर कैसा होता है। यदि हम कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की बात करें, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में जो सिविल लिबर्टीज़ होती है वहाँ पर उसका संकुचित रूप होता है, वहाँ पर इसका एक सीमित रूप होता है। क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में यदि हम सिविलियन की सिविल लिबर्टीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी लिबर्टीज़ के ऊपर प्रतिबंध होता है। वहाँ पर जो सिविलियन होते हैं उनको गवर्नमेंट की आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। वहाँ पर
प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता है, वहाँ पर सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होता है। ये सिविल लिबर्टीज़ का कम्युनिस्ट कंट्री में ऐसा नेचर होता है। यदि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो सिविल लिबर्टी होती है वो व्यापक होती है और असीमित होती है। वो व्यापक और असीमित इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर सिविलियन को बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी स्वतंत्रताएं होती है। सिविलियन चाहे तो गवर्नमेंट की आलोचना कर सकती है, सिविलियन चाहे तो गवर्नमेंट की प्रशंसा कर सकती है। वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हम भारत के संदर्भ में सिविल लिबर्टीज़ को देखते हैं तो प्रत्येक देश के द्वारा अपने अपने संविधान में सिविल लिबर्टी का जो है उल्लेख किया गया होता है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के संविधान में भी भारतीय नागरिकों को सिविल लिबर्टीज़ का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 आर्टिकल 19 से 22 तक इंडिया के जो सिविलियन हैं उनको जो है सिविल लिबर्टीज़ का वर्णन किया गया है। भारत में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई है, जैसे कि डेमोक्रेसी की स्थापना, फंडामेंटल राइट, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानूनों का शासन, शक्तियों का केंद्रीकरण, लिखित संविधान, समान अधिकार, सहिष्णुता की भावना, सतत जागरूकता, शीघ्र न्याय एंड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ये इंडिया में सिविलियन की जो लिबर्टीज़ है उसकी जो है रक्षा करते हैं। यदि हम फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ में डिफेंस की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ के कंसेप्ट को गहराई से समझने पर, इसको अच्छी तरीके से समझने पर हमें इसमें एक अंतर दिखाई देता है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये हमारे सामने आता है कि जो सिविल लिबर्टीज़ हैं ये काफ़ी व्यापक हैं, ये काफ़ी असीमित है। और यदि हम फंडामेंटल राइट्स को देखें तो फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो सीमित होते हैं, ये व्यापक नहीं होते हैं। यदि सिविल लिबर्टीज़ का उल्लंघन होता है तो सिविल लिबर्टीज़ के उल्लंघन होने पर, सिविल लिबर्टीज़ के उल्लंघन होने पर यदि हम जो याचिका दर्ज करते हैं तो वो एक हायरार्की के माध्यम से चलती है, जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसके लिए जो हम जो याचिका दर्ज करते हैं वो सीधी ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था सिविल लिबर्टीज़ का। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।